Hello all, and welcome to Winme Education, your one-stop solution to all Olympiads. मैं मोहन आनंद चक्रवर्ती एंड ये मोर कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मेनली तीन टॉपिक्स को टच करने वाले होंगे. एक्चुअली ये टॉपिक्स नहीं है, ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो पूरे मोर कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं एंड इसको अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आपकी पूरी मोर कॉन्सेप्ट में काफी आसानी होती है आगे बढ़कर. सो पहले ये दो टॉपिक्स देखेंगे एंड इफ यू हैव सम मोर टाइम लेफ्ट वी विल टच ऑन दिस लिमिटिंग रिएजन पार्ट. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला टॉपिक हमारा है कि मास से मोल में इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन, ठीक है. सो हमने पहले लेक्चर में समझा था कि मोल क्या होता है. 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल कहीं भी मिल जाए तो उसे हम मोल कहेंगे. अब इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए इतने अमाउंट के आपके पास एप्पल्स हैं, ठीक है, इतने एप्पल्स सेव है, इतने सेव है तो इनका कुछ वेट भी होगा ना. खैर इतना लार्ज है तो हम इसका वेट नॉर्मली यूज नहीं करेंगे बट होगा ना कुछ तो वेट. सो इस वेट को हम कहते हैं मोलर मास. एक मोल किसी भी आइटम का मास को हम कहते हैं मोलर मास. मोलर मास. अब मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट सवाल मैसेजेस में नहीं आता है बट इनडायरेक्ट फॉर्म हर जगह ये यूज हो रहा होगा. सो क्वेश्चन आता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है ये कितना मोल है. पहले तो आपको ऑक्सीजन का मोलर मास पता होना चाहिए. अब आप ऑक्सीजन का मोलर मास कैसे निकालोगे. पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा O के ऊपर लिख देते हैं 16, मास होता है इसका 16 एक मोल का. ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं आपको याद रखने होते हैं एंड अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वी विल हैव सम 400 वेरी गुड क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको खुद अपने आप याद हो जाएंगे. सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू. सो इट्स क्लियर द स्लाइड एंड मैं आपको क्लियरली समझा दूं कि किसी भी कंपाउंड का पहले मोलर मास कैसे निकालते हैं. फाइंडिंग आउट द मोलर मास. मोलर मास, ठीक है. तो वील हैव सम फ्रेश थिंग्स O2 CO2, ठीक है. एंड फर्स्ट ये दो चीजों की निकालते हैं. तो अब देखिए O पे क्या लिखा हुआ रहता है ऊपर 16, यानी एक O का मास होगा 16 और दो O का कितना होगा 2 × 16 = 32. 32 ग्राम एक मोल ऑक्सीजन का मास होगा. ऑक्सीजन यही O2 होता है. ऑक्सीजन अटोम अगर लिखे तो O होता है एंड अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखे तो O2 होता है, ठीक है. इसका रीजन जब अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. सो अब देखिए CO2 का मास है तो इसका अपन क्या करेंगे ना कि वैसे नहीं लिखेंगे. अब आप देखिए इंटरनेट से आप पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कीजिएगा, पीरियोडिक टेबल PT, और उसमें सबके ऊपर उनके मास लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, उनके मास लिखे हुए. तो वैसे करना है आपको. तो मैं बता देता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है. C+2O. अब सी में क्या है कि कार्बन का मास लिखना होगा एंड ओ में ऑक्सीजन का मास लिखना होगा, ऐसे हो जाएगा. अब इसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे CN है तो सी का मास प्लस एन का मास. ओके, सो इसी तरह से हम लोग अगर और आगे जाएंगे तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे मैं एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेता हूँ A2B3, इसका मास क्या होगा, ठीक है. इन एक्सप्रेशन आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, ये वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको पक्के से ट्राई कीजिए और इसका मैं एक मिनट बाद इसका आंसर बताता हूँ. सो एक मिनट में इट वाज लाइक 10-15 seconds and मैं assume कर रहा हूँ कि आप उसको pause कर लिए होंगे ऐसे. So 2A + 3B इसका molar mass हो गया, ठीक है.
अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर कुछ ए और बी का वैल्यू दिया होगा तो उसको आप ऐसे इनपुट लगा लोगे, जैसे मान लीजिए मैं इधर डाल देता हूँ कि ए का वैल्यू, ए का मास 10 है एंड बी का मास 5 है, तो मतलब 20 प्लस 15 दैट इज 35, इट्स डन। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब यहाँ तक तो आ गए कि आप किसी भी चीज का मोलर मास निकाल सकते हो, कोई भी एटॉम मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आएंगे मास मोल इंटरेक्शन पे। ठीक है, अब ये क्या होता है मास मोल इंटरेक्शन? मास मोल इंटरेक्शन ऐसा होता है कि मान लो किसी भी चीज का आपको मास दिया हुआ है। अच्छा, मैं फिर से वही कंपाउंड लेता हूँ A2B3, इसका आपको मास दिया हुआ है मतलब जैसे, अच्छा ओके, इसका मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, बंद कंटेनर है। इस A2B3 को निकाल देते हैं, O2 है, ऑक्सीजन है इसके अंदर, ठीक है। अभी ऑक्सीजन की क्या नीड भी बहुत है, तो इमेजिनरी भी ऑक्सीजन ही होना चाहिए। सो यहाँ ऑक्सीजन है, दिस इज प्योर ऑक्सीजन, ओके। सो अब किसी ने आपको आके बोला कि इस पे 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 64 ग्राम, खैर बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, बट हाँ 64 ग्राम ऑक्सीजन है इधर, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो क्या करें? अब उसने पूछा कि इसमें कितने मोल ऑक्सीजन है, तो पहले ये बताओ फिर हम आपको ऑक्सीजन देंगे, तो आप प्रॉब्लम में हो, कैसे निकालें? जबकि देखिए अब मोलर मास क्या होता है उसको थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं, 1 मोल O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। अगर आपको अगर थोड़ी सी भी यूनिटरी आती होगी तो फिर होगा क्या, 64 ग्राम में कितना होगा, 64 ग्राम में कितना होगा, 2 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मान लिया ये 64 ना हो तो थोड़ा सा अनइवन सा कुछ वैल्यू होता, जैसे मैं दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। मान लीजिए ये 20 ग्राम होता, 20 ग्राम, ठीक है। सो अगर फिर ऐसे होता कि 1 मोल में 32 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम में कितना होगा, 1/32 मोल ऑक्सीजन। अब अगर 20 ग्राम हो गया, अब अगर 20 ग्राम हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड हम लोग 20 से इसको इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। अब दोनों साइड कर दिया तो सिंपल सा आंसर है 10/16 मोल्स आ गया। अब फिर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा उधर से, 10/16, काफी इजी सा सवाल था। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, खैर कंपाउंड्स इतने इजी नहीं आते हैं, ऑक्सीजन तो खैर मैंने एज एग्जांपल लिया था, सो दैट्स अनदर थिंग, बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंड इंटरनेट में आप सर्च कर लेना तो कोई भी कंपाउंड लेना और उसका मास निकाल लेना, बट उसके पहले अभी आपको वैल्यूज याद नहीं होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इंटरनेट, ओके। पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इंटरनेट, एंड उससे आपको मास देखना है। आप चीटिंग करते करते भी ना अब आपको ऐसे याद हो जाएगी ना कि फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना, एक ह्यूमन एक क्या साइकोलॉजी होती है कि आप हार्ड काम से भागते हो। सो मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, आप फिर उस कॉपी को खोल रहे हो, देख रहे हो, फिर ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो क्या है ना आपको वो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ना देखे कर लोगे, क्योंकि आपको वो देखना बहुत मेहनत का काम लग रहा है। सो हाँ ऐसे होता है, ठीक है। अब आता है इसका है ना थोड़ा सा ऑपोजिट भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे आपको कोई सेम चीज है कि आपको कोई एक कंटेनर था, इसमें पानी है, ठीक है, ये कोई टैंक है पानी का। खैर हम लोग नॉर्मली पानी को मोल्स में मेजर करते नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं कह दिया। और किसी ने आपको बोला कि अभी खैर पानी की भी क्राइसिस चल रही है, 3 मोल H2O है इसमें, 3 मोल H2O, किसी ने आपको कह दिया 3 मोल H2O, ठीक है। पहले आप H2O का मास निकालोगे, H2O का, अच्छा ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, खैर आपके पास भी PTE अगर हो तो बढ़िया, ना हो तो ठीक है। H का वैल्यू होता है 1 और O का वैल्यू होता है 16, O का वैल्यू आपको पता होगा क्योंकि लास्ट में मैंने लिखा था,
ठीक है, तो इसका मास पहले निकाल लेते हैं। इसका मास कैसे निकाले, 2H प्लस O, सो 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। कितनी इजी है, 18 ग्राम पानी, 1 मोल 18 ग्राम। ओके, सो अब अपन निकाल लेते हैं 1 मोल कितना है, 18 ग्राम। सो 3 मोल कितना होगा, 18 इंटू 3, ओके दैट्स 54 ग्राम। मतलब इसमें इसमें टोटल में दैट कंटेन्स 54 ग्राम H2O और 3 मोल। ठीक है, इतनी इजी इजी क्वेश्चन आती है। अब इसमें क्या टफ हो सकता है, कुछ टफ नहीं हो सकता, यूनिट्री से ही करना होता है। एंड फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूँ अगर आप चाहते हो तो, खैर फॉर्मूला याद करना हो तो आपको वो भी कर सकते हो, उसकी फॉर्मूलाज भी है। सो ये जो कंपाउंड है ना, इसके जगह पे कुछ ऐसा है, XZF4 ऐसा कुछ कुछ चीज है, ठीक है। बट उस कंपाउंड से आपको घबराना नहीं है, मास या तो साइड में कोपचा में कॉर्नर में दिया हुआ रहेगा, और या तो वो एग्जाम में ना पीरियोडिक टेबल भी दिया हुआ रहता है। सो और आपको देखते देखते सवाल से खुद याद हो जाएगा, इशू तो है ही नहीं है कहीं से भी, ठीक है। सो ऐसे होगा। एंड अच्छा, एंड आई थिंक ये कंसेप्ट काफी हद तक कवर्ड है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट था लिमिटिंग रिएजेंट, उस पर जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मेन कंसेप्ट क्या है, खैर हम आपको बताते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट भाई साहब ऐसा चीज है। अच्छा पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पहले स्कूल में होता था ना कि मीनिंग देखना होता था, तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब पहले रिएजेंट का मीनिंग देख लेते हैं। रिएजेंट केमिस्ट्री में काफी कॉमन टर्म है। दिस इज नोन एज अ रिएक्टेंट। कोई भी चीज जो रिएक्ट करे उसे हम रिएजेंट कह देते हैं। तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट है, इतना तो पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं अपन। अब इसके बाद लिमिटिंग जो चीज किसी लिमिटिंग, अच्छा लिमिटिंग यानी स्टॉपिंग, ये रिएक्शन को कहीं ना कहीं रोकती है। लिमिटिंग मतलब जैसे, अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कुछ अपने जो मतलब होनहार लोग होंगे, कुछ काम करते होंगे ऐसे कि जिस चीज के लिए उनको घर से रोका जाता होगा, सो वो उनको लिमिट कर रहे हैं, दे आर स्टॉपिंग हिम, ओके। सो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन को रोकता है, इतना तो पता चला। ये एक मोटा मोटा आइडिया है, बहुत ही वेग सा आइडिया है। सो ये कुछ कुछ किताबों में दिया हुआ है, सो मैंने बोल दिया स्टॉपिंग है, रिएजेंट है। सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सो जस्ट अज्यूम कि आपके घर में बनेगा पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला मसाला। खैर ये राइटिंग पे मत जाए, बहुत ही मनहूस राइटिंग। तो पनीर बटर मसाला बनेगा, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको लेना है। सो इसका जो रेसिपी है विच गोज एज फॉलो, 1 kg पनीर प्लस 1/2 kg अनियन प्लस 0.25 kg गार्लिक। मसाला आप नहीं डालते हो, आप वैसे ही मानसिक रूप से बीमार हो, सो दैट्स ओके, मसाला नहीं डालते हो। उस पर आपको 1.5 kg, अच्छा कुछ सिंकेज भी होता है ना, सो ओके kg पनीर बटर मसाला, PBM मिलता है आपको, ओके PBM पनीर बटर मसाला। सो ओके, सो ये मान लीजिए ये रेसिपी है, आपने एक बुक निकाली, खैर अच्छा ये रेसिपी है। तो आपको बोला गया कि ले आओ सारी चीजें बनानी है, तो 1.5 kg
पनीर बटर मसाला, जगह नहीं है इसलिए पीवीएम लिखा है, बनाने हैं तो आपको 1 केजी पनीर लानी पड़ेगी, आधा केजी अनियन लानी पड़ेगी, 0.25 केजी गार्लिक लानी पड़ेगी, ठीक है। सो अब ये है, अब बात ये है कि पनीर आपको मिल रहा था 450 रुपया, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 300 रुपया में मिलेगा, तो महंगा था, तो आपने 1 केजी लिया कि यार ठीक है, अब बोला है तो क्या कर सकते हैं। और इधर अनियन आपके सोच से बहुत नीचे मिल रहा था, मतलब इट वाज वेरी चीप, एकदम हाफ प्राइस मिल रहा था, तो पनीर तो इतना लिया। अब फिर उसके बाद अनियन 1 केजी ले लिया, तो बाद में देखते हैं क्या होता है, 1 केजी अनियन ले लिया। अब 0.25 केजी गार्लिक था, तो आपने वो 0.25 केजी लिया कि ठीक है यार, मतलब ओके ओके प्राइस। अब ये पेज से हम लोग अलग पेज पे चलते हैं, पहले आपने क्या क्या लाया हम वो लिखते हैं इधर, ठीक है। आपने लाया है 1 केजी पनीर, ठीक है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल चिकन मटन के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, बट एज काफी वेजिटेरियन लोग भी देख रहे होंगे, सो दैट्स वाई 1 केजी अनियन, क्योंकि ये सस्ता था। अब रीजन कोई नहीं पूछेगा कितना क्यों नहीं लाया, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। अनियन इसको खैर आप समझ लेना, या अनियन है, और पॉइंट अच्छा 1/4 लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। बाय 4 kg गार्लिक। अब भैया अब रेसिपी क्या है वो देखते हैं, कि पनीर चाहिए 1 केजी पनीर, ठीक है, केजी को मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस रेशियो लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस हाफ अनियन प्लस क्वार्टर गार्लिक, इतना है, मतलब एकदम सिंपल सी चीजें हैं, साथ ही मतलब एकदम सादा जीवन जी, सो दैट्स राइट। सो अब क्या है कि आप 1 केजी पनीर ले आए, गुड, ठीक है, इसके लिए आपको शाबाशी मिल गई है, एक बोले थे कम से कम एक काम तो सही किया, तो उसके बाद आपको बोला था 1/2 केजी लाने, आप तो 1 केजी ले आए, सो इट्स गुड, अगेन गुड कि ज्यादा ले आए आप, सो ये कहीं ना कहीं एक्सेस अमाउंट में है, इसे हम क्या बोलना पसंद करेंगे, एक्सेस रिएजेंट। हेलो आई एम बैक, एक्चुअली बीच में थोड़ी सी इंटरनेट की इश्यूज थी, सो दैट्स व्हाई थोड़ी सी है, जहाँ से अपन छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 केजी पनीर प्लस 1/2 केजी अनियन प्लस 1/4 केजी गार्लिक, ठीक है, ये आपको चाहिए। अब आपने ये तो सही अमाउंट में लाई है, इसके लिए आपको शाबाशी मिली है, ये आपने है ना ज्यादा लाई है, तो ये क्या है, एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस, एक्सेस, खैर बहुत भारी अंग्रेजी तो नहीं है, एक्सेस, और ये रिएक्टेंट है, मतलब रिएजेंट, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये ज्यादा है तो ये एक्सेस रिएजेंट, बस इतना याद कर लेना है। और इतने इजी इजी सवाल आते हैं, मान लो बस ये पूछेगा कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक, सवाल है, और ये भी आपने सही आंसर, और ये भी आपने सही अमाउंट में लाया है, ठीक है। अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, कि मान लीजिए ये आपने 1 किलो लाया है, ठीक है, ये आपने 1 किलो लाया है, 1 केजी, मान लीजिए ये 1 केजी को अगर रिएक्ट करना हुआ, मतलब अगर आपको मान लीजिए पूरा 1 केजी यूज करना हुआ पनीर बटर मसाला बनाने के लिए, तो आपको कितना पनीर चाहिए होगा, रेशियो से निकालो, बहुत इजी है, 2 किलो चाहिए होगा, 1/2 केजी अनियन के लिए 1 किलो पनीर, मतलब 1 केजी अनियन के लिए 2 किलो पनीर, इतना इजी चीज है। सो 2 किलो पनीर, 2 किलो तो है नहीं, मतलब ये कम है, अब कम है तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा ना, 1 किलो जैसे बन जाएगा तो पनीर खत्म हो गया, तो आप
पनीर बटर मसाला से सिर्फ बीएम तो नहीं बना सकते हो, बटर मसाला तो अब इसके बाद नहीं बनेगा। सो ये भी एक टाइप का लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। और इस ये भी आपको लगभग हाफ के जी चाहिए होगा, ठीक है, पूरी बनाने के लिए। सो ये भी एक टाइप का लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने आइडिया दे दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट होती क्या चीज है। सो अब अपन क्या है ना, थोड़ी सी है ना, मतलब तो भारी भारी अंग्रेजी टर्म्स से इंट्रोड्यूस होते हैं, बट करते करते सब याद हो जाती है, इजी है सब। एंड अगर कुछ समझ नहीं आया हो ना तो इस वीडियो को आप फिर वापस से देख सकते हो, काफी इजी इजी चीजें हैं। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपको ये एक रिएक्शन दिया हुआ होगा, ए प्लस बी गिव्स ए बी, कुछ तो ऐसा दिया हो, ठीक है। मैं एक सिंपल रिएक्शन लिया ए बी का। अब फिर आपके पास ये कोपचे है, कोपचे में एक वैल्यू दिया हुआ होगा साइड में से करके, एक्स से करके, कि आपके पास ए है 2 मोल, ठीक है, बी है 1 मोल, एक कंटेनर में ए 2 मोल है, बी 1 मोल है, ओके। सो यहाँ तक की सारी चीजें सही है। सो इसके बाद अपन यहाँ आते हैं, जब एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तब कितना है, इधर 2 मोल है, आई एम राइटिंग इन दिस इन मोल्स, ओके। एंड एक बार लेते हैं बीच में, टाइम बीच, बीच से खैर बी ए सी एच मत सोचना कि बीच के भावनाओं में बह जाए, भावनाओं में नहीं बहना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो भावनाओं में नहीं बहेंगे तो एक का आधा रिएक्ट हो जाएगा, मतलब 0.5। एंड इसमें एक बी के साथ एक ही रिएक्ट होता है, मतलब इससे भी आधा रिएक्ट होगा, हाफ मोल, कितना बच गया, 1.5 मोल बच गया, ठीक है, 1.5 मोल बच गया। अब टी फाइनल में चलते हैं, टी फाइनल, टी फाइनल में फिर से इसमें से आधा मोल रिएक्ट हुआ तो इसमें से भी आधा मोल रिएक्ट हुआ, क्योंकि देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो एक ए के साथ एक बी रिएक्ट करेगा, ना कि दो ए के साथ एक बी रिएक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई, तो इधर 1 मोल है और इधर कुछ नहीं बचा, ये खत्म हो गया पूरा। अब ये ज्यादा में है, अब देखिए ये बच गया, मतलब इसमें ज्यादा था, तो दिस इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। और ये कम था तो इसमें हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज एज सिंपल एज दिस, हो गया फिनिश्ड। ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सो इतना इजी चीजें हैं ये, ठीक है। तो अब अगर आप एक वास्तविक रिएक्शन भी देखना चाहें तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो ये एक्चुअली आज पेन टैब सही से काम नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही है, बट ओके, नो इश्यूज, वी आर अगेन बैक विद आर पेन टैब। सो अब की रिएक्शन लिखते हैं अपन, सी प्लस ओ टू गिव्स CO2, ठीक है। अब इसको अपन लगभग कितना इन सम सेकेंड्स करेंगे, मैं पहले सवाल लिख दूं, सी आपके पास 2 मोल है, ओ टू 4 मोल है, ठीक है, मतलब 2 मोल। और इसका सी का एक, अब पहले इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, सी का 1 मोल के साथ ओ टू 1 मोल रिएक्ट करेगा, 2 और 4, मतलब 2 मोल इसका रिएक्ट कर गया तो 2 मोल इसका भी रिएक्ट कर जाएगा, ये तो एकदम खत्म हो गया और इसमें 2 मोल बच गया। सो दिस इज एक्सेस, एक्सेस, और ये लिमिटिंग है, क्योंकि अगर देखिए अब लिमिटिंग का वास्तविक मतलब समझते हैं कि अगर इसमें ज्यादा होता, अगर इसमें ज्यादा होता तो फिर यहाँ भी मान लेते 2 होता, तो फिर ये रिएक्ट कर जाता तो ये रिएक्शन और आगे बढ़ता, ये नहीं है इसलिए ये रिएक्शन यहीं पर रुक गया। सो दिस इज नोन एज लिमिटिंग, लिमिटिंग। अब आप इन फिजिक्स भी पढ़ोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो चीजों को रोकती है दैट इज नोन एज लिमिटिंग।
इतनी सिंपल चीज है, जस्ट एज सिंपल एज दिस। अच्छा और एक टाइप की सवाल आती है कि जैसे मैंने आपको सिखाया मोल मोल टू मास एंड मास टू मोल इंटरेक्शंस कन्वर्शंस, C plus O2 gives CO2। अब मैं अज्यूम करता हूँ आपको C और O2 का मास पता है। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, इसका 14 ग्राम होता है, इसका 32 ग्राम होता है। तो आपको कोई लिख दिया कि आपके पास 28 ग्राम C है और 32 ग्राम O2 है, तो कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? अब आप क्या करोगे, पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? एक मोल पहले सी का देख लेते हैं, एक मोल 14 ग्राम यानी दो मोल 28 ग्राम। मैंने आपको जैसे बोला था वैसे भी कर सकते हो, सो दैट्स नॉट एन इश्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दो मोल। अब O2 का देख लेते हैं, सो इट्स वन मोल, तो पता है ना एक मोल 32 ग्राम्स होता है, सो दैट्स वन मोल। अब सवाल का मैंने निचोड़ निकाल लिया है, ठीक है। सो अब एक मोल सी के साथ एक मोल O2 रिएक्ट करता है एंड O2 एक ही मोल है, सो एक मोल ये रिएक्ट कर गया, एक मोल ये रिएक्ट कर गया। अब एक मोल ये रिएक्ट किया तो फिर ये भी तो एक ही मोल बनेगा ना भाई, ये भी एक ही मोल बनेगा। तो आपको पूछ भी सकता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो दैट इज वन मोल प्रोडक्ट बनेगा एंड ये बच जाएगा, एक मोल सी बच जाएगा क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आपको यही पूछ सकता है कितना ग्राम CO2 बनेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आपको लग रहा होगा पहले की बहुत कंफ्यूजिंग सा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगा। CO2 एक मोल, तो इसका मास कैसे निकालेंगे? पहले देखिए मोल कितना होता है, उसके साथ इनटू होता है, एक एक मोल का खैर आपको मास पता होता है ना, तो कितने मोल, इसमें वन है तो नीड नहीं है। C plus 2O, अब C is plus 32, ठीक है, सो इधर से 46 हो जाएगा, 46 grams, डन, इट्स डन। सो आपको फिर इसके बाद है ना और कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब ये खैर एक PYQ में इतना इजी सवाल आया था, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं अब इसके बाद आता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज इसमें रॉन्ग करी है, मैं कुछ और सोच रहा था शायद से, इसलिए सी का जो मास होता है ना वो 12 होता है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ शो किया है, बट हाँ सी का मास इज 12 ऑलवेज। फाइनली यहाँ आते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे अपन और कुछ चीजें पढ़ेंगे एंड एक चीज आप कमेंट्स में बोल देना बस कि मैं जो करा रहा हूँ ये सही है कि नहीं, मतलब सही है मतलब मैं जानता हूँ ये चीज अच्छी है, बट मतलब इस हिसाब से सही है, मतलब मैं कंसेप्ट अभी जैसे ये है ना, सो मोल विल गो ऑन अंटिल 9 lectures मोल को लगेंगे, जिसमें से आज थर्ड है, थर्ड हो गया, सो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद लगभग कुछ 400 questions करेंगे अपन हर जगह से, that will be from some sheets, then it will be from some books, जो भी एकदम market leading books हैं, अब वहीं से करेंगे questions, so after that मैं NSCJS का पूरा full syllabus करवाऊंगा, ठीक है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, NSCJS लेवल तक जाऊंगा, तो NSCJS में काफी केमिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं आते हैं, सो आफ्टर फिनिशिंग NSCJS केमिस्ट्री हम लोग इसी के और डीप में प्रैक्टिस करेंगे या फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोस चैप्टर्स विच आर नॉट इन NSCJS सिलेबस वो करेंगे। सो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप या फिर आपको कुछ चाहिए हो आप मुझे यहाँ पिंग कर सकते हो,
एन डी ए अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है ओके अनसेंसर्ड। चलिए ओके सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है इतना दूर देखने के लिए। थैंक यू एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर योर लव अपॉन इट।